रूस्टर वेस्टलैंड केस में बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार, ईडी के दावे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस का आरोप, अपने गलत करने को छुपाने के लिए बीजेपी कर रही है ईडी का इस्तेमाल। खुद की चोरी छिपाने को कर रहे हैं शोर, और इसीलिए कहते हैं कि चोर मचाए शोर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब बन गया है एम्बेरेसिंग डिजास्टर। कांग्रेस ने अगुस्ता वेस्टलैंड केस में मोदी के सामने रखे 6 सवाल पूछा। ब्लैकलिस्ट कंपनी को क्यों बनाया मेक इन इंडिया का हिस्सा। कांग्रेस का आरोप, सत्ताधारी पार्टी के निर्देश पर एक परिवार को टारगेट कर रही है ईडी। कांग्रेस के आरोप पर सुब्रमण्यन स्वामी का पलटवार, सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज हो FIR। अब वो कहता है कि इनके कारण हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो कम से कम पूछताछ तो होनी है, और पूछताछ तो FIR के बिना नहीं हो सकती। ईडी और मिशेल के दावे पर बीजेपी के सहयोगी JDU की मांग, ऐसे संवेदनशील केस में गोपनीयता बरते जांच एजेंसी। कांग्रेस के सहयोगी NCP का दावा, धमकी देकर मिशेल से कुछ भी उगलवा सकता है प्रवर्तन निदेशालय। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय पर मिशेल का असहयोग का आरोप, कहा अदालत में अपने वकील के हाथ में दिया कागज का टुकड़ा। पीएम मोदी का अंडमान निकोबार का पहला दौरा, आजाद धुंद सरकार के गठन की घोषणा के 75वें साल पर लहराया 150 फीट ऊंचा तिरंगा। मरीनाबाद में मोदी ने नेताजी की मूर्ति पर चढ़ाया फूल। कार निकोबार में 11 साल पहले सुनामी में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। सेलुलर जेल गए मोदी, वीर सावरकर की कोठरी में जाकर उन्हें किया नमन। की जनसभा अंडमान निकोबार को दी कई परियोजनाओं की सौगात, बदला 3 द्वीपों का नाम। रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से जाना जाएगा, नील द्वीप को शहीद द्वीप से जाना जाएगा। यूपी के गाजीपुर हिंसा में मारे गए कांस्टेबल सुरेश वत्स का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, प्रतापगढ़ में मातम। कांस्टेबल की पत्नी ने इंसाफ की लगाई गुहार, पति के साथ मौजूद पुलिस वालों पर भी उठाए सवाल। कांस्टेबल को पुलिसकर्मियों ने दी श्रद्धांजलि। गाजीपुर में 11 गिरफ्तार, 32 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट। गाजीपुर में भीड़ के हिंसा में कांस्टेबल की मौत पर कांग्रेस ने उठाई योगी सरकार पर सवाल, पुलिस से सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या होगा। गाजीपुर की घटना पर अखिलेश ने योगी पर सवाल उठाए, भाषा पर तंज किया। वो घटना इसलिए घटी है क्योंकि मुख्यमंत्री जी की भाषा सोचिए, उनकी एक ही भाषा है, और भाषा ये है कि ठोक दो, तो कभी पुलिस को नहीं समझ में आता है कि उन्हें किसे ठोकना है, और कभी जनता को नहीं समझ में आता कि किसे ठोकना है। बीजेपी सांसद श्यामाचरण गुप्ता ने क्षेत्रीय संतुलन को बचाया हिंसा की वजह, कहा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब नहीं। क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ा हुआ है, एक जिम्मेदार अधिकारी के जिम्मे में ज्यादा काम है, इसलिए भी थोड़ी असावधानी हो सकती है। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर विवाद जारी, पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान, राजनीतिक स्टंट है ये फिल्म। फिल्म के बहाने बीजेपी पर कैप्टन का आरोप, पार्टी और उसके नेता सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं फिल्म का ट्रेलर। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सरकार के कई फैसलों को गहलोत सरकार ने बटला, बीजेपी पर लगाया राजनीतिक बदले का आरोप। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का रोड शो, अपने क्षेत्र में स्वागत। कमलनाथ का शिवराज के इन्वेस्टर्स समिट पर निशाना, बोले मुझे तो शर्म आएगी जब इन्वेस्टर्स समिट में कोई निवेश ना आए। सोमवार को राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पर 2 बजे चर्चा, लोकसभा से पहले ही हो चुका है पास। पंजाब में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसक झड़प, फिरोजपुर में उपद्रवियों ने बैलेट बॉक्स में लगा दिया। फरीदकोट में मतदान के बीच कांग्रेस नेता और सरपंच पद के उम्मीदवार की कार पर हमला, उम्मीदवार ने की सुरक्षा की मांग। धौलपुर में पंचायत उपचुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी, 3 वार्ड्स में जीत। भुवनेश्वर में नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन, धर्मेंद्र प्रधान शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री का राजगीर द्वारा, ऐतिहासिक का जरासंध के अखाड़े का नीतीश ने किया निरीक्षण, विकास पर खर्च होंगे 200 करोड़। नीतीश ने खगड़िया में डुगरी पुल का किया लोकार्पण, कोसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों से पटना का जुड़ा सड़क संपर्क,
जम्मू के रत्नूचक सैनिक फायरिंग पर दो आतंकवादी फायरिंग करके भागे, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। श्रीनगर में कांग्रेस एमएलसी के घर से संदिग्ध आतंकवादी 4 AK-47 लूटकर फरार। पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा, भारतीय सीमा पर 600 टैंक तैनात करने की खबर। पुलवामा में एक आतंकी की बहन के घर गई महबूबा मुफ्ती, सुरक्षा बलों पर रुबीना से बदसलूकी का आरोप। चाहती हूँ अगर मिलिटेंट के साथ आपका झगड़ा है तो मिलिटेंट के साथ झगड़ा कीजिए, मगर उनके रिश्तेदारों उसकी बहन के साथ खासकर ये नहीं चलेगा, ये हम होने नहीं देंगे। वैजान के आबू रोड पर ब्रह्म कुमारी संस्थान में शहीदों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए रावत, शांति का संदेश। आतंकवाद से सेना प्रमुख बिपिन रावत ने किया सावधान, कहा आतंकवाद के फैलाव से विनाश की ओर बढ़ रही है दुनिया। तेज प्रताप के जनता दरबार में फरियाद लेकर पहुंची जेडीयू की महिला कार्यकर्ता, पति पर तलाक के बाद भी मारपीट का लगाया आरोप। राजकोट में बहू ने की सास की हत्या, सीढ़ियों से गिराकर हत्या को हादसा बताने की कोशिश। लखनऊ में 5 साल की बच्ची की हत्या से हड़कंप, जबरदस्त हंगामा, एक गिरफ्तार। पटना में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने मौके से 5 लड़कियां और 2 लड़कों को पकड़ा। बिहार के दरभंगा में नाराज लोगों ने आरोपी के घर पर किया हमला, घर में लगा दी आग। बिहार के सरकारी अस्पताल की बेहाल तस्वीर आई सामने, कूड़े के ढेर में पड़ा मिला मरीज, जांच के आदेश। जहानाबाद में जेडीयू कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, मंत्री का रास्ता रोकने पर किसानों को पीटा। नोएडा में दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर भिड़ंत, लाठी डंडे चले। वाराणसी में 695 जिंदा कछुओं को पुलिस ने कार से किया बरामद, एक गिरफ्तार। झारखंड के गोंडा में सड़क बनाने को लेकर मुखिया की पिटाई, पुलिस ने वार्ड सदस्य पर पत्नी पर केस दर्ज किया। धनबाद में लड़की पर पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या का आरोप, प्रेमी कर रहा था ब्लैकमेल। बिहार के छपरा के बाद सारनाथ एक्सप्रेस में डकैती, लाखों का माल ले उड़े बदमाश। पटना में बेखौफ फंडों ने सरयाम 9वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के को चाकुओं से गोदा। औरंगाबाद के सुर्खी, बिगड़ा गांव पर टूटा नक्सलियों का कहर, एमएलसी के चाचा की हत्या। मध्य प्रदेश के सतना में मैराथन के दौरान बवाल, मेडल और टी शर्ट न मिलने पर युवकों ने तोड़फोड़ कर दी। उत्तर प्रदेश के किसान आवारा पशुओं से परेशान, आवारा पशुओं को प्राइमरी स्कूल में बंद किया। बेगूसराय में अपराधियों ने दूध समिति के सचिव की गोली मारकर हत्या की। यूपी के भदोही में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने दिखाई हवानियत, महिला को निर्वस्त्र कर पीटा। यूपी के हाथरस में युवक ने पति के सामने ही महिला से किया बलात्कार, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के गोविंदपुरी में मामूली विवाद में दोस्तों ने ही कर दी दोस्त की हत्या। दिल्ली के नारायणा में पुल से गिरा तेज रफ्तार ट्रक, ड्राइवर की स्थिति गंभीर। नकली फेसबुक आईडी बनाकर छात्रों की अश्लील वीडियो अपलोड, पुलिस ने आरोपी युवक को दबोचा। बिहार के मुंगेर में 125 झोपड़ियों में आग लगी, गैस सिलेंडर फटने से हादसा। ऋषिकेश के रायवारा में ट्रक का टायर फटने के बाद उछला पत्थर, युवक की आंख फूटी। अलवर गौ तस्करों की बुरी तरह से पिटाई, पुलिस ने मौके से जब्त की 6 गाय। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा अक्षर एक्सप्रेस से 2 तस्कर गिरफ्तार, सोना चांदी कैश बरामद। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड, गंगोत्री में न्यूनतम तापमान -15 डिग्री तक पहुंचा। बद्रीनाथ में जम गए सभी नदी नाले, -15 डिग्री तक तापमान। कश्मीर घाटी में खून जमा देने वाली ठंड, करगिल और द्रास में तापमान -12 डिग्री। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण ठंड से फसल और सब्जियों पर असर, किसानों को भारी नुकसान। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में न्यूनतम तापमान 0 के नीचे, 10 दिन में दूसरी बार तापमान माइनस में पहुंचा। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी, न्यूनतम तापमान पहुंचा 3 डिग्री। पुणे में दर्ज हुआ पिछले 10 साल में सबसे कम तापमान, 6 डिग्री तक गिर गया पारा। चीन में भीषण बर्फबारी, शांगची प्रोविंस में 10 सेंटीमीटर गिरी बर्फ। उत्तराखंड के औली में न्यू ईयर के जश्न की तैयारी, बर्फबारी के बीच पर्यटकों के लगे टेंट। नए साल के जश्न को लेकर मुजफ्फरनगर में शिवसेना की धमकी, महिला के साथ छेड़खानी करने पर लड़कों को अपने स्टाइल में समझाएंगे शिवसैनिक। मेलबर्न में 37 साल बाद भारत ने टेस्ट जीता, ऑस्ट्रेलिया को 137 रन से हराया, 2-1 की बढ़त। मेलबर्न में जीत के साथ ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर टीम इंडिया का कब्जा बरकरार, 3 जनवरी से सिडनी में आखिरी टेस्ट। पहला सत्र बारिश की भेंट चढ़ने के बाद 27 गेंदों में भारत ने झुट गया ऑस्ट्रेलिया के दोनों विकेट। जसप्रीत बुमराह बने मैन ऑफ द मैच, मैच में झटके कुल 9 विकेट। बुमराह, ईशांत, शमी की टिकले ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, कैलेंडर ईयर में 134 विकेट लेकर मार्शल, होल्डिंग और गार्नर के रिकॉर्ड को तोड़ा। बुमराह को कप्तान कोहली ने बताया दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर, कहा मैं खुद उनका सामना नहीं करना चाहूंगा। कप्तान कोहली ने पुजारा की भी तारीफ की, कहा बेहद तेजी से अपना खेल बदलने में माहिर हैं चेतेश्वर।
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम बेन को याद है स्टीव स्मिथ डेविड वार्नर का, दो तीन टॉप खिलाड़ी के रहने से टीम में हम मजबूत होते। बॉल टेम्परिंग में 9 महीने की सजा काटने के बाद बिग बैश लीग में उतरे ऑस्ट्रेलिया के कैमरन बैंकफ्रेट। क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड को श्रीलंका को 423 रन से हराया, दो टेस्ट में चूंकि सीरीज पर 1-0 से आगे। होपमैन कप में स्पेन पर 3-0 से भारी पड़ा जर्मनी, वर्ल्ड नंबर 2 कर्बर ने मुरुगुजा को हराया। हिंसा की घटनाओं के बीच नई सरकार के चुनने के लिए बांग्लादेश में मतदान खत्म, 13 लोगों की मतदान के दौरान गई जान, कल सुबह आ सकते हैं परिणाम। चौथी बार सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरी हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राजधानी किनशासा में भारी बारिश, कई पोलिंग बूथों में मशीन खराब। दक्षिण कोरिया में मून जे इन के साथ फिर से शिखर सम्मेलन करना चाहते हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत, आदिवासी युवक की हत्या से गुस्सा। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान उस्मान से तबाही, 22 की मौत, 50 बेघर। चीन में सुबह से भारी बर्फबारी, 10 सेंटीमीटर तक गिरी जर्फ। ग्रीस में बर्फबारी और बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट, बेघरों के लिए एथेंस में खुल गए शेल्टर होम। रियो डी जेनेरो के मशहूर कोपाकाबाना बीच पर नए साल से पहले पारंपरिक उत्सव, देवी की हुई पूजा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।